पश्चिम बंगाळमां विधानसभा ચૂંટણીનો જંગ બરાબર નો જામ્યો છે। બંગાળમાં આવતા મમતા બેનર્જીની તૃણમૂલ કોંગ્રેસ અને ભાજપ વચ્ચે પ્રતિષ્ઠાનો જંગ છે। આ બંક યુદ્ધમાં કોણ બાજી મારશે તે જાણવા ભાઈ ભાઈની ટીમ બંગાળ પહોંચી છે। ગુજરાતભરમાં ખૂબ લોકચાહના મેળવનારી ટીવી નાઇનની ભાઈ ભાઈની ટીમે બંગાળમાં પંચાયત જમાવી છે। ખડગપુરના મતદારો આ વખતે કોને સત્તા પર જોવા માંગે છે તે જાણવા જોઈએ બંગાળથી ભાઈ ભાઈનો અહેવાલ। ચૂંટણી એની ચરમસીમા પર છે, ભાઈ ભાઈ પહોંચી ગયા છે। પશ્ચિમ બંગાળના પશ્ચિમ મિદનાપુર જિલ્લાના ખડગપુર વિધાનસભા બેઠક પર, ખડગપુર વિધાનસભા પર 2016માં દિલીપ ઘોષ ભાજપના પ્રમુખ છે, કદાચ આ વખતે જો ભાજપ સત્તા પર આવશે તો એ મુખ્યમંત્રી થશે, એ જીતી ગયા હતા। જોકે ત્યારબાદ એ લોકસભામાં ચૂંટ્યા હતા। આ બેઠક પર તૃણમૂલ કોંગ્રેસના પ્રદીપ સરકારે કબજો જમાવ્યો હતો, આપણી સાથે ભાજપ સાથે સંકળાયેલા 2-4 લોકો છે, પછી કોમન મેન છે, સામાન્ય લોકો છે। અહીં થોડી ભાષાની તકલીફ છે, હિન્દી ઓછું આવડે છે, પણ છતાં આપણે બધા લોકો સાથે વાત કરીએ। પહેલે મેડમ છે, મેડમ હિન્દી આતા હે? થોડા થોડા હિન્દી ગાના ગા સકતી હૈ ક્યા? હા, ગાના લતા મંગેશકર કા ગાના સુના હે? આતા હે? આતા હે? એક બોલ દીજીએ ના। ઠીક હે, ઇસ બાર ક્યા હોગા? ઇસ બાર ક્યા મોદી જીતેગા? પક્કા? પક્કા, બહોત કોન્ફિડન્સ સે કહે રહી હે। જય શ્રી રામ। દીદી તો કહેતી કે ખેલા હોબા, ડરા રહી હૈ સબ। નહીં નહીં નહીં, खेला होगा, विकास का खेला होगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंदनम मजुमदार। चंदनम मजुमदार बहन कहते कि आ वक्त विकास नो खेलो के मोदी जी से। भाई साहब आपको हिंदी आती? हाँ। इतनी फिल्म देखती है, कुछ तो आता होगा ना? हम फिल्म नहीं देखते। फिल्म नहीं देखते फिर भी हिंदी आता है? ठीक है, आपके साथ कौन है? हमारे मिसेस। आप बाजू में खड़े थे, कुछ नहीं बोलेंगे? डरते हैं आप इनसे? नहीं। ये डरती है आपसे? हाँ। अच्छा, इस बार क्या होगा? अच्छा, आप कहाँ से आई? हम आए निमपुरा से। और मोदी जीतेगा? मोदी जीतेगा, जरूर जीतेगा, जरूर जीतेगा। अच्छा, हमारे साथ और है, आप कहाँ से आई? गढ़बेता से। क्या लग रहा है इस बार? इस बार लग रहा है मोदी जी जीते। अरे भाई, ये क्या बीच में खड़े, ये मच्छी बाजार थोड़ी है? थोड़ा पीछे पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे। भाई साहब कैसा माहौल, कैसा है माहौल? बहुत बढ़िया है, चल रहा है अच्छा वाला। अभी इस बार तो मोदी जी है, कमल ही जीतेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमल जीतेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। केला कॉमन मार्सो ने पूछे, आपको क्या लग रहा है इसमें प्रॉब्लम क्या है? दीदी के रूल राज में, दीदी के राज में यहाँ पे तो बंगाल में दीदी का राज है, खड़गपुर में जो है मोदी जीतेगा। नहीं नहीं, दीदी ने अच्छा शासन नहीं दिया क्या? शासन ठीक है तो, लेकिन थोड़ा प्रशासन से प्रॉब्लम है। अरे भैया रुकिए, और एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट वो सब है? एम्प्लॉयमेंट तो नहीं है, एजुकेशन भी बढ़िया नहीं है कहा जा सकता। तो यूथ नाराज है सब? हाँ यस। दीदी तो कहते कि बहुत काम किया, और दीदी के नजर में काम किया है, हमारी नजर में नहीं। दीदी ने काम किया है, माफियाओं के ऊपर काम किया है, पुलिस प्रशासन को छोड़ने और बालू तस्करी और तिरपाल चोरी, चावल चोरी पे काम किया, उन्नयन पे कोई काम नहीं किया, शिक्षा पे कोई काम नहीं किया, रोजगार पे कोई काम नहीं किया। और दीदी कहती है खेला होबे, खेला होबे, यही बंगाल की जनमानुष, इस मिट्टी के लोग दीदी को 1 तारीख और 2 तारीख, 2 मई दीदी गई, दीदी कह रही है गोलकीपर बनेगी। जो गोलकीपर कलकत्ता छोड़ के नंदीग्राम पहुंची थी और माठ छोड़कर दीदी भाग गई। आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश सिंह। ओम प्रकाश जी, एक नया सूत्र है, 2 मई दीदी गई, ये नया सूत्र है? एकदम नया सूत्र है। आपका है ये सच्चाई? मेरा नहीं है, ये जनमानुष बंगाल की धरती। आप सूत्रों भी तो दीदी का यूज करते हैं, खेला होबे खेला, हम तो वही खेला का प्रतिवाद कर रहे हैं। दीदी बोल रही है खेला होबे, 10 साल बंगाल के जनता के साथ दीदी खेली है, यहाँ का जनमानुष अब खेलेगा दीदी के साथ। और 1 तारीख 2 तारीख को जो 2 मई मैंने बोला दीदी गई, वो 2 तारीख दीदी जाने का संकल्प बंगाल की जनमानुष ले चुकी है। ओम प्रकाश जी, मैं आपके दोस्तों को भी पूछता हूँ, जरा आज आगे जा जाओ। ओ चश्मा वाला भाई, अरे शर्माओ मत यार, इतना बड़ा आदमी पहलवान, अबे आप आ जाइए, चलो ओ आप आ जाओ, गांव पूरे गांव को कह दो। क्या किस क्या होगा इस बार? इस बार सीधा बीजेपी आएगी सर। पक्का? एकदम श्योर है सर। ये जो दीदी काम कर रही है ना, ये सब जनता जीत चुकी है, थक गई है जनता इनसे ले दे के, सब हर जगह में करप्शन, पुलिस जाइए, एक छोटा सा कुछ डायरी दीजिए उसमें भी दीदी
का आदमी लोग आता है बोलता है ये कागज नहीं चाहिए वैसा चाहिए पैसा लगे, हर जगह में करप्शन चला रहा है, दादागिरी करती है, दादागिरी चला रहा है सर। आप तो पूरा जनता में दादागिरी ऐसा है कि भगवान राम का नाम लेने से जब यहाँ की मुख्यमंत्री गाड़ी छोड़कर उतर जाती है और कहती है गाला गाल दिच्छो, दुर्गा पूजा में माँ दुर्गा का प्रतिमा को ढक दिया जाता है, स्कूल में सरस्वती पूजा नहीं होने दिया जाता है कि सनातन धर्म के साथ खेल रही है दीदी, प्रतिवाद कर रहे हैं हम। एक 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 ये फिल्म स्टार जैसा आदमी खड़ा है, क्या नाम है? राजा राणा। अच्छा बंगाली है? नहीं नेपाली है। नेपाली है, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है इस बार? इस बार बीजेपी सरकार। वोट देने का है आपके पास? यहाँ के वोटर है इस बार बीजेपी सरकार? जय बोलो। हम लोग गोरखपुर का आदमी है भाई। अच्छा हम लोग तेलुगु आदमी। हाथ में क्या है? हाथ में काली क्या है? ले ले काली जी आई आई। तो लोगो खुश नहीं, खुशी नहीं, खुशी ना मेरा द्राक्ष वेची राजा ने खेर से जय श्री राम ना नारा लगी रहे।